मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक बड़ा हादसा हो गया है। डिंडौरी में एक पिकअप वाहन पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 20 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वाहन में 35 लोग सवार थे। हादसा शहपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच हुआ। मृतकों में 6 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। सभी की उम्र 16 से 60 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। पुलिस ने पिकअप ड्राइवर अजमेर टेकाम निवासी करौंदी को हिरासत में ले लिया है। पिकअप अजमेर की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम ने बताया कि पिकअप अमाही देवरी गांव से मंडला जिले के मसूर घुघरी गांव जा रही थी। लौटते समय एक टर्निंग पर पिकअप वाहन पलट गई और 20 फीट नीचे खेत में जा गिरी। कलेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि वाहन का बीमा और फिटनेस एक्सपायर हो चुका था। पिकअप वाहन माल ढोने के काम आता है, इसमें सवारी ढोने की अनुमति नहीं है। मध्य प्रदेश में हुई इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों और घायलों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी इस घटना पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कठिन समय में मदद करना हमारा फर्ज बनता है। मृतकों के परिजनों को 4,000,000 रुपए और घायलों को 1,00,000 रुपए देने की बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के बाद क्लियर होगा कि ड्राइवर ने दारू पी रखी थी या नहीं। ये उसका निजी वाहन है, इसमें उसके परिवार के लोगों को ही बैठाया गया था। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, डिंडोरी में बीती रात जो घटना हुई उसमें लगभग 14 लोगों काल कवलित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं। मैंने तुरंत मौके पे हमारी साथ की मंत्री संपत्या उइके जी को भेजा है, साथ ही मृतकों को लिए 4,000,000 रुपया। वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार की सहायता करना हम सबका फर्ज बनता है। बीमार जो इस अवसर पे हुए सबको 1,00,000 रुपये देने की शासन की तरफ से घोषणा की गई है। मैं कोशिश करूँगा कि ये, खासकर मुझे जानकारी मिली कि रात को बीती रात की घटना है, पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि चालक दारू पिए हुए है, क्या है कैसा है। यद्यपि वाहन में जो सवारियां हैं वो वाहन भी उनका निजी वाहन है, और निजी वाहन में खुद के परिवार के लोग सारे बिठाए हुए हैं, कोई वो भाड़े की कोई किराए की गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी जांच करने के लिए मैंने इसके आदेश दे दिए हैं। इसकी रिपोर्ट आएगी, जो जो जवाबदार होगा उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। जो मैंने कहा है वैसा अभी तो हमने किया है, जैसा और आवश्यकता पड़ती है वैसे काम करते जाएंगे।